हेलो किसान भाइयों, वेलकम टू द इंडियन किसान चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में दानेदार सागरिका का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या इसकी सही मात्रा है, क्या इसकी सही डोज है, सागरिका दानेदार सागरिका का प्रयोग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली कि अगर आप धान की फसल में सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं दानेदार सागरिका, तो हमें कब करना चाहिए, क्या इसका सही समय पीरियड है, क्या इसकी सही टाइम है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहते। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की धान की फसल में दानेदार सागरिका का प्रयोग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सागरिका होती है दानेदार, उसमें हमारे बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी कि जो सागरिका बनी थी समुद्री शैवाल से बनाई जाती है, उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धान की फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ और उसमें जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है और हमारे जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। और हम बात करें तो इसमें किसान भाइयों, ये जो हमारी धान की फसल में फास्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, पोटेशियम की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, लोहे की कमी होती है, कार्बन हाइड्रेट की कमी होती है, इन सभी कमियों को ये पूर्ति करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो हमारी धान की फसल में कोई भी खाद की डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारी धान की फसल एकदम ग्रोथ करना कम कर देती है और हमारी धान की फसल पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और उसकी टेलरिंग बहुत ही कम होती है, जिस वजह से हमारी जो पैदावार होती है वो बहुत ही कम निकल करके आती है। तो किसान भी हमारी ज़मीन में कहीं ना कहीं ज़मीन में खाद की डिफिशियंसी पाई जाती है, खाद की कमी पाई जाती है, जिस वजह से हमारी धान की फसल में पैदावार कम निकल कर आती है। तो अगर आप सागरिका का प्रयोग करेंगे किसान भी, तो आपकी जो धान की फसल होगी उसमें जो अगर फास्फोरस की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी, लोहा जिंक की और जो पोषक तत्वों की कमी होगी, उन सभी पोषक तत्वों को सागरिका पूरा करेगी और हमारी धान की फसल में जो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगी, उनकी जड़ों का विकास होगा, जो रूट्स होंगे वो अच्छी तरीके से विकास करेंगे और उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बनेगी और हमारी जो टिलरिंग आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आएगी और उसके बाद हमारा धान एकदम हरा भरा दिखाई देगा, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हरा भरा एकदम दिखाई देगा और उसके साथ में आपकी जो पैदावार निकल कर आएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल कर आएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों की, हम सागरिका प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें कितने समय के बाद करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भाइयों को डाउट है, काफ़ी हमारे किसान भाइयों का सवाल है, कई हमारे किसान भाइयों के कमेंट भी आए कि हम सागरिका का प्रयोग करें तो हमें कितने समय पर करना चाहिए, जिससे हम अच्छा लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मैं आपको डोज के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक एकड़ में आप 10 से 12 किलोग्राम कम से कम सागरिका का प्रयोग करें, कम से कम 10 किलो तो करें, अगर आप उससे ज़्यादा करें तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि 10 से 12 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका का प्रयोग करना है और वो आप प्रयोग कर सकते हैं जब आप पहली खाद यानी कि फर्स्ट खाद लगा रहे हैं, यूरिया के साथ में इसका मिक्स करके दानेदार सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रोपाई के 20 से 25 दिन के बाद किसान भी आपको अवश्य सागरिका का प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भी सागरिका के महत्व वजह से भी बढ़ जाता है, अगर आप सही रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसका सही समय प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा अति आवश्यक है। क्योंकि सागरिका हमारा जो प्लांट ग्रोथ करके भी जगह पर कार्य करता है, PGR टॉनिक भी है, यानी कि PGR टॉनिक की जगह पे भी कार्य करता है, तो उसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे धान की फसल के बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। तो आप सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं किसान भी, धान की फसल के 20 से 25 दिन के बाद आप यूरिया के साथ दे सकते हैं, उसके अलग से भी दे सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप सागरिका का प्रयोग करेंगे सही समय पर सही डोज, तो अपनी धान की फसल बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।